देखिए, गाना पसंद किया जा रहा है और अभी तो नियर अबाउट 4 मिलियन के आसपास हो रहा है व्यूज़ एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक फर्स्ट टाइम एक अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश गाना ट्राई किया, थोड़ा सा हिंदी के साथ इंग्लिश, एंड लोगों ने उसका तारीफ कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। I want to first of all thank all the people who have enjoyed the song so far. If you haven't, please go out, check it. Thank you so much for all your love. And it was just an amazing collaboration with my younger sister Annabelle and Dad, of course, being a part of it. We had so much fun recording the song, filming the music video of it. So yeah, overall a very fun experience. जैसे कि मैंने आपका इंस्टा स्टोरीज देखे, पोस्ट देखे, काफ़ी अच्छे आपने 4 साल का एक्सपीरियंस सर के साथ शेयर किया, आप क्या एक्सपीरियंस कर सरा सोन सर के साथ में इतने लॉन्ग टाइम बाद एक सॉन्ग लाना, चैलेंजिंग था या फिर थोड़े नर्वस थे डैड के साथ परफॉर्म करना? सो Yeah, 7 years ago when we came up with It's Magical, that was very nerve-wracking for me because I was a rookie back then, and it was just like, I was just so scared I couldn't even like sing properly in front of him. But over the course of the years, I kind of got, much better, and I progressed and I got my confidence, and this time around it was not me who was nervous, it was somebody else who was nervous because we informed him that he had to sing in a little bit in English, and the first thing he said was no, I'm not gonna sing. And that's when my sister comes in play as well. She was on top of Dad, she was like, no, you have to sing, Dad, come on, we believe in you, it's just like 3 lines, trust me. And we had like, we tricked him, we got him into the studio and we were like, oh, we're not gonna, make you sing today, just hear it out, you just need to sing the Hindi part. And once he was there, really enjoying getting in the vibe and everything, that's when like my sister slowly said, okay, how about you try it in English, how about like, let's see if you can sing it. But it was really fun, and I'm sure that he enjoyed as well. मैं बिल्कुल enjoy नहीं किया था, बाद में गाना जब सुना तब मैं enjoy किया गाने को, क्योंकि मेरा टेंशन जो था वो अमेरिकन एक्सेंट को लेके, एंड एक्चुअली इंग्लिश इससे पहले भी गाया, लेकिन इंग्लिश गाने से नहीं होता है, वो साथ में थोड़ा सा एक्सेंट भी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक्सेंट के साथ गा रहे हैं तो हमें भी एक्सेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, तो हिंदी तो चलो गा लेंगे, कोई बात नहीं है, और गा भी लिया मैंने, तो अल्टीमेट रिज़ल्ट जो देख रहा हूँ कि लोगों का प्यार जो भर भर के आ रहा है, एंड दैट इज़ अमेजिंग रियली, कोई गाना इतना जल्दी इतना पॉपुलर हो सकता है ऐसा आइडिया नहीं था। जैसे कि सर हम जानते हैं सदाबहार गाने रहे हैं आपने, कभी ऐसा अभी ये गाने के बाद इतने तो एक्सपीरियंस आ गए कि अमेरिकन एक्सटेंड अगर आपको कोई पुराने गाने रीमेक करना रहे तो आप कोई करना चाहोगे? अभी हाल ही में हमने एक गाना रीमेक किया, सारेगामा से रिलीज हुआ वो गाना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, एंड वो मैंने गाया दोबारा एंड रीमेक किया, आई लाइक टू डू दैट, आई लाइक टू, एंड आई थिंक उसमें जो हमारी इंडस्ट्री है ना उसको भी फायदा होगा, क्योंकि अभी के जो गाने हैं उसके ऊपर भारी पड़ता है ना पुराना गाना, तो पुराना गाना लेके अगर कोई खेलेगा तो आई थिंक उसको फ़ायदा होगा ही होगा किसी भी हालत पर, तो यस आई लाइक टू डू दैट। सर जैसे कि आप भी डॉक्टर सॉन्ग ला रही हैं कि सामने से बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में इतने सारे फ्रेंड्स हैं आपके, तो सामने से जब ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या फिर आपके सॉन्ग को लेके जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो कैसा लगता है, किस तरीके से आप लेते हैं? अच्छा लगता है, नहीं डेफिनेटली अच्छा लगता है, उस समय लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया लाइफ में, और क्या बता सकता हूँ बच्चों के लिए, नहीं इनका इनके लिए तो मैं प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि ये लोगों ने जो कुछ भी किया अपना बलबूते पे किया, ना तो ना मेरा नाम यूज़ किया ना कुछ भी, बट जो कुछ भी किया ये आज इनका कोई भी एक इंग्लिश गाना आप उठा लेंगे देखेंगे उसमें आपको 40 मिलियन व्यूज़ है, 30 मिलियन व्यूज़ है, तो ये नॉट ए जोक, एक अमेरिका जैसा जगह पे जाके और अपना एक पोजिशन बनाना विदाउट टेकिंग माई नेम और वट एवर इट इज़, तो मैंने खाली इन लोगों को बस
खाली एक ही हौसला दिया कि भाई तुम्हारा बाकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं हूँ, तुम्हारा कंसंट्रेट करो अपना करियर पे और गाने पे और एक्टिंग पे जो भी है। तो लोगों ने आई फील प्राउड फॉर दैट कि भाई ये लोगों ने जो कुछ भी आज किया ये आपने बलबूते पे किया। बॉलीवुड में भी कोई अपकमिंग ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है आपका कि सॉन्ग देना है, परफॉर्म करना है और यहाँ पर नाम बनाना है इंडिया में? I'm trying. It's really new for me over here, you know. So just been working with different producers and trying to like put my song out there, put my voice out there. So far people have enjoyed and shown a lot of love towards my songs that have been in Hindi, whether it may be you know, a remake of the classic song Jimmy Jimmy, yeah, or whether it be with Himesh Sir as well. So yeah, I have a couple of songs in the pipeline and I'm, you know, really hoping that people would enjoy it just as much as they have enjoyed my English songs. She will do good because inke gaane sunke यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी, मतलब समथिंग न्यू काइंड ऑफ वॉइस। तो आई थिंक इनका स्कोप बहुत है, होप भी बहुत है और चांस भी बहुत है, क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं उसको ऑलमोस्ट ये काफ़ी गाने गा दिया है यहाँ पे हिंदी, अब सब रिलीज होगा आहिस्ता आहिस्ता। रील फॉर्मेट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, अभी देख रही हूँ, हाँ, जनरेशन के फॉर्मेट में भी गाने परफॉर्म कर रहे हैं, यस लगा के डांस कर रहे हैं। सो दीज आर गुड थिंग फॉर ए फॉरन आर्टिस्ट, दिस इज आई थिंक वेरी गुड थिंग। सो होप और उम्मीद, हम उम्मीद नहीं छोड़ते, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी कायम है। I would love to say thank you so much for giving your love to me and my music so far. I just hope that you continue to give love just as you have been giving so far, and I have some amazing songs coming up for you guys, so stay tuned and enjoy our latest song 9 to 5. It's available on all streaming platforms and it's on YouTube as well. Check out the music video, I'm sure you're gonna love it. मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो आपके सामने है, एंड आप जिस तरह से प्यार दिया उस तरह से प्यार देते रहिए, एंड डेफिनेटली हमने हमारा 90s के गाने के लिए स्पेशली हमने हमारा YouTube चैनल भी खोल दिया, द कुमार सानू ऑफिशियल। उसमें आपको हर हफ्ता 10 दिन में एक न्यू सॉन्ग आपको मिलेगा जिसका गुड लिरिक्स होगा एंड 90s मेलोडी होगा, एंड डेफिनेटली विल लाइक इट। तो बस प्यार देते रहिए, हम कहीं नहीं गया, हम है आपके साथ। एक लाइन हो जाए आप दोनों का अगर 9 to 5 का तो है। 9 to 5 का यही गाएंगे, मैं नहीं गाऊंगा। आ जाओ गाओ। ओके। तन्हा समय यहाँ खुद से मैं क्यों लापता, भीगे से है कुछ अरमा, दिखता ना कोई निशा यहाँ, 'cause I'm not sure, insecure, gotta take what I don't get, trial and error make me better, remind me so I don't forget. Will you let me live the life I want to live? Free me from the sins that you commit. Cut me up until I'm numb, but I still feel all my regrets. Trial and error make me better. Remind me so I don't forget. Thank you. Thank you.